मेरा टाइम जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि हर इंसान के लिए अभी दो चीजें बहुत कीमती हैं, अपना टाइम और पैसा, और एक थिएटर में जाकर फिल्म देखने के लिए दोनों चीजें चाहिए। ऑडियंस को एंटाइज करना ही पड़ेगा, अगर हमको थिएटर में आना है तो उनको एक सिनेमैटिक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देंगे तभी इट इज वर्थ इट। आपको एक्शन भी सीखना है, आपको डांस क्लास भी सीखना है, जिम भी करना है, अच्छा खाना भी है, तो ये सब एक्सपेंसिव चीजें हैं, वो मेरे पास थी नहीं। यू अलोंग विथ यू योर फैमिली एवरीबडी गोस थ्रू इट बिकॉज द जर्नी इज नॉट ओनली योर्स। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ना, मैं अपने कंट्री की दूसरी पिक्चर क्यों नहीं देखूं? विल आई मेक समथिंग वो थॉट प्रोसेस के साथ के पैन इंडिया देखे, तो मैंने धोखा भी बनाई है। आई वॉज इन द टॉप 3 or 4 म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, और मैंने शायद 300 से ज़्यादा म्यूजिक वीडियोज बनाए। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे याद है मैं एक एक पार्ले जी पे 2 रुपये का, पहले 4 रुपये के पार्ले जी पे जीता था, फिर 2 रुपये पे आ गया क्योंकि मुझे जाना होता था, लोगों से मिलना होता था। सो वेलकम टू फर्स्ट इंडिया, और अभी तो हर कॉर्नर एवरीवेयर जहाँ भी बात हो रही है वो धोखा की हो रही है, और आप लोग तो मतलब जिस तरीके से ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है उसको लेके मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं हर तरफ वो बहुत एक्साइटेड है फिल्म को देखने के लिए। आप दोनों क्या कहना चाहोगे? आई एम एक्चुअली ओवरवेल्ड। आप जब ये, मैं अभी जो सुन रहा हूँ ये बातें, मैं अभी दर्शन से बता रहा था कि मैंने ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि इतना ऐसा रिस्पॉन्स आया है। सो मैं तो अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली क्या बोलूँ। मोर देन दैट, अभी तो मैं वो सारी पॉजिटिविटी ले रहा हूँ, और जो फिल्म कंप्लीट हो रही है जो बाहर दिखाने की है बस उसी में डाल रहा हूँ अभी। सो आई थिंक दैट इट्स अमेजिंग, इट्स बीन फैंटास्टिक एक्चुअली। दर्शन आप क्या कहेंगे? वही जो एक बटरफ्लाइज होती है ना आपके टमी में, आप बहुत एक्साइटेड होते हो हमेशा, और लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी होते हो, क्योंकि आप एक एग्जाम की तरह है कि मैंने एग्जाम दे दिया है अब रिजल्ट आना बाकी है। सो बट पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू होता है ना, जैसे आपको टीचर्स बोलने लग जाते हैं अच्छा रहा तुम्हारा यार। सो वैसे ही हो गया कि हमारे टीजर को और ट्रेलर को इतना प्यार मिल रहा है, और थैंक यू फॉर दैट आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए कि लोग इसको देखना चाह रहे हैं, तो यही है हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। और मैं हमेशा मैक्सिमम लाइफ में पॉजिटिव रहता हूँ कि कोशिश यही रहती है कि उनको पसंद आएगी, क्योंकि जब आप शूट कर रहे होते हो माहौल जब होता है या जब आपने जब सीन दिए होते हैं तब तो आपको एक वाइब्स मिल जाती है, तो हमने फिल्म में अपना हार्ट एंड सोल डाला है और बहुत मज़ा आया शूट करते वक्त। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं प्रॉमिस भी करता हूँ ऑडियंस को कि उन्हें देखते वक्त बहुत मज़ा आएगा फिल्म। और आप दोनों के जो आखिरी प्रोजेक्ट रहे हैं वो इतना उनको प्यार मिला है, आपकी बिग बुल को, इनके द कश्मीर फाइल्स को, मतलब न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली इतना पसंद किया गया है, और आप तो मोस्ट बैंकेबल स्टार जैसे हो गए। दर्शन आप ऐसा वो एक सब्जी होती आलू कि हर रोल में हर चीज़ में फिट हो रहे हो, तो इस चीज़ को कैसे देखते हो आप? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आलू से आपने मुझे कंपेयर किया, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आलू पूरे वर्ल्ड में कहीं, आप कहते हैं ना कि कुछ मिले ना मिले, आलू पूरे वर्ल्ड में मिलता है, एवरीवन लव्स इट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यही मेरी कोशिश रहती है, आप लोग जो मुझे प्यार करते हैं इतना और मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे पे इतना जो भरोसा करते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि काम मेरे लिए हमेशा भगवान है, और उससे बड़ा मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आप दुनिया की कोई भी चीज़ दे दीजिए और उसके अलावा आप कहें कि मैं आपको एक अच्छी फिल्म देता हूँ या अच्छा काम देता हूँ, मैं हमेशा उस तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में यही सब कुछ है। तो जो ये आपका विश्वास है, प्यार है, कोशिश करता हूँ कि उस पर हमेशा खरा उतरूँ और मेहनत करता रहूँ, और वो मैं करता रहूँगा, क्योंकि आप, आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। वाओ वाओ, या एक्चुअली वाओ, आई एम सो हैप्पी दैट ये दिस टाइम हैज कम इन माय लाइफ दैट people are expecting things and I want to give them even better and better. So meri koshish din bhar rehti hai, din raat rehti hai, ke I try and give something special, give something good to our audiences, kyunki actually main audience zyada hu, filmmaker kam hu, picture zyada dekhte hain, to obviously we expect ki hum bhi achhi picture dekhein. So I think that expect karna is the right of the audience, you know, and if they, I mean, have an expectation from me,
that's the biggest opportunity I'm getting. That somebody is expecting something from me. Itna time tha meri life mein to kuch expectation hi nahi thi. So I think that it's a great feeling right now. Really really positive, really good. Yes. और कितने लकी मानते हैं या कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है. एक तरफ आपके पास दर्शन हैं जिनकी कश्मीर फाइल्स इतनी चल गई, इतना ज़्यादा पसंद किया, इनकी एक्टिंग को लोग इतना पसंद कर रहे हैं. उसके लिए आपके पास मैडी हैं, माधवन, जिनकी फिल्म को भी इतना रॉकेटरी को इतना पसंद किया गया. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ले रहे हो या आप अपने उसके साथ हमारे प्रोड्यूसर हैं जिनकी भूल भुलैया भी चली है. तो मैं तो वी आर राइट नाउ इन अ वेरी वेरी गुड एंड द हेल्दीएस्ट स्पेस यू कैन से. I'm in August company, I can say, I think humne to picture banayi hai from the beginning. We've been as honest to the film that we could have been. Humne ye na socha tha kabhi ke ye Kashmir Files ye ho jayega ya Rocketry ye ho jayega. When we were shooting Dhoka, Maddie sir used to show me Rocketry ke scenes aur ye aur wo. You know, and so much excitement he had. He had just come from Kashmir File ka shoot khatam karke, young college boy ka karke, yahan pe aake ACP 3 hafte mein change kiya. And he was telling me how he gave that take, that last take of 16 pages? 13 pages, 13 page ka. 13 page take in Kashmir Files. To hum us waqt to sirf cheezo ke baate karte the. We didn't know this is going to happen, right? So I think when we made that film, it was made I don't think there was any expectation. We did it with full honesty for the film and for the script. And I think with such stalwart actors, I don't think there's more to expect. I mean, they probably know what they have done and come. But when they came on the set of Dhoka, they were for Dhoka, you know, I mean, for that film, for that character. So I think it's amazing to have that. या एज एन एक्टर वही हमारा काम होता है कि जो पीछे चला गया उसको सिर्फ अपने साथ उसे छोड़कर जो कैरेक्टर है उसको जीने की कोशिश करें या जो माहौल है उसको जिए ताकि एक जो पहले छवि बन चुकी है वो ब्रेक हो जाए, कुछ नया क्रिएट कर सके. और आपके साथ तो कमाल है, मतलब पहली फिल्म मेरी कॉम में इतना पॉजिटिव, फिर NH10 में एकदम अलग अवतार सर्वजीत हो, या फिर अभी कश्मीर फाइल्स की बात करें, धोखा की बात करें, कैसे कर लेते हो हर अवतार में अपने को ढालते का, जैसे कुकी बता भी रहे हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ मूड कैसे करते थे आप? एक्चुअली मुझे ये, मैं इतना कमाल का एक्टर नहीं हूँ कि मैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकूँ. मैं तो इवन फिल्म जब स्क्रिप्ट आती है तभी से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देता हूँ ताकि उस कैरेक्टर को जी लूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि उस कैरेक्टर की जो मैनरिज्म है, जो उसके बोलने का तरीका है या वो कैसे बिहेव करता है, वो सारे अपने सबकॉन्शियस में लेके जाऊं सेट पर, जब कि मैं कैरेक्टर का ढांचा तैयार कर लूं ताकि जब मैं वहां सेट पे हूं तो सिर्फ मुझे इमोट करना है कैरेक्टर को. ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे बैठा हूँ, क्या करना है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, उस पर फोकस ना करके जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ से दूसरे के दिल पर उतरे, दिल तक पहुँचे. मैं सेट पर भी जब रहता हूँ तो हमेशा, जैसे मैं ACP मलिक प्ले करता था, मैं हमेशा ACP मलिक ही था सेट पर. मुझे मज़ा आता है. मैं एज एन एक्टर यही करना चाहता हूँ कि मैं दर्शन को भूल के दूसरा कैरेक्टर बन जाऊँ, उसमें कुछ कुछ नई गहराइयाँ ढूंढता जाऊँ. और जब मैं उसमें रहता हूँ तो हर दिन मुझे कुछ नई लेयर्स पता चलती हैं कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस जो मैं हर 24 घंटे जी रहा हूँ उसमें एक नई लेयर्स ऐड कर देता है, तो वो मैं इन्जॉय करता हूँ. आप दोनों को अभी ऑडियंस, मतलब आपके नाम को, आपके चेहरे को पहचान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की इतने सालों की मेहनत है. आप मतलब असिस्टेंट से लेके स्क्रीन प्ले राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है क्रिएटिविटी का जो आपने नहीं किया हो. इवन दर्शन, आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, अलग अलग रोल्स किए हैं, अब जाके लोग इतना पसंद कर रहे हैं, वो सक्सेस ज़्यादा दिख रही है, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल स्टोरी है वो मेरे ख्याल से लोगों को पता है कि नहीं. कुछ उस जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे आप? मेरी जर्नी तो आई थिंक स्टार्टेड 2000 में स्टार्ट हुई थी, और मैं म्यूज़िक वीडियोस और प्रोमोज बनाता था. और उस टाइम पे आई डिड आई थिंक वेरी वेल, इफ आई माइट से आई वाज इन द टॉप 3 or 4 म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, और मैंने शायद 300 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस बनाए. उसके बाद मैंने आई वर्क्ड ऑन अ फ्यू फिल्म्स
जैसे इश्क विश थी या फिदा था, एंड उसके बाद मैंने खुद की पिक्चर बनाई. अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट डू व्हाट आई थॉट इट वुड एंड आई टुक अ ब्रेक. मुझे लगा कि मुझे भी शायद आई हैव टू रीथिंक, री अप्रोच, और एक टाइम लेता हूँ मैं, थोड़ा और सीखता हूँ, थोड़ा और मच्योर होता हूँ, उसके बाद मे बी एट सम पॉइंट आई विल ट्राई एंड री अप्रोच दिस प्रोफेशन. दो आई रिमेन एज टू प्रोड्यूस कॉन्टेंट एंड ऑल ऑफ दैट. फिर जब मैंने री अप्रोच करने की कोशिश की तो इट्स अ जर्नी ऑफ अ न्यू कमर, बिकॉज पीपल हैव फॉरगॉटन, यहाँ पे मेमोरीज आर वेरी शॉर्ट. सो दैट जर्नी ऑफ अ न्यू कमर स्टार्टेड. थैंकफुली मेरे कुछ आई गेस मैंने कुछ अच्छा किया होगा, तो मैं इंदू जी से मिला, इंदर कुमार और अशोक टकेरिया, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज ट्राइंग टू पिच देम बिग बुल एज अ फिल्म, और उन्होंने बोला कि एट दिस पॉइंट हम लोग टोटल धमाल बना रहे हैं, विल यू कम इन एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर. तो वहाँ से जब मेरी वापस रीस्टार्ट हुई जर्नी, एंड आई सेड यस ओके, आई विल बी अ क्रिएटिव डायरेक्टर, आई हैव बीन अ डायरेक्टर बिफोर बट डजंट मैटर, आई वांटेड टू गेट बैक इन, यू नो, एंड आई वांटेड टू, फॉर मी बीइंग ऑन सेट से ज़्यादा मुझे खुशी नहीं मिलती. आई एम नॉट हैप्पी एनीवेयर अदर देन अ सेट ऑफ अ फिल्म, एंड आई वेंट देयर एंड वहाँ पे जो मैंने 6-8 साल नहीं किया था, इतने स्टारकास्ट मिल गए, सब मिल गए, अजय देवगन मिल गए, माय प्रोड्यूसर फॉर माय नेक्स्ट फिल्म द बिग बुल. सो आई थिंक द जर्नी फ्रॉम देयर रीस्टार्टेड एंड हियर आई एम. वाओ दर्शन, आपके बारे में तो मतलब लोग इतना जानना चाहते हैं, कुछ बताइए, क्योंकि लोगों को अभी सक्सेस दिख रही है और बहुत आसान लगता है, लेकिन आई एम श्योर वो इतनी आसान नहीं. ऑब्वियसली मैं जब बॉम्बे आया था उससे पहले ही हमारे दिल्ली में थिएटर करता था, एनके शर्मा सर थे, उन्होंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा बॉम्बे में जाकर एज एन एक्टर, क्योंकि बॉम्बे, जो मैंने फील भी किया आने के बाद, कि बॉम्बे हमारे इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव शहर है, और एक्टर को स्पेशली जब आते हैं तो एक्टर को अपने आप पे काम करना होता है, थिएटर भी करना है अपने आप, उसके अलावा आपको अच्छा दिखना भी है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, आपको एक्शन भी सीखना है, आपको डांस क्लास भी सीखना है, जिम भी करना है, अच्छा खाना भी है, तो ये सब एक्सपेंसिव चीज़ें वो मेरे पास थी नहीं. मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और जब मैं आया और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे याद है मैं एक पार्ले जी पे 2 रुपये का, पहले 4 रुपये के पार्ले जी पे जीता था, फिर 2 रुपये पे आ गया, क्योंकि मुझे जाना होता था, लोगों से मिलना होता था, 5-5, 10-10 किलोमीटर में पैदल जाता था, एक एक्स्ट्रा टी शर्ट कैरी करता था, क्योंकि सर वॉक करते हुए पसीनों में भीग जाती थी, तो वो दिन मुझे याद है. लेकिन वो कहते हैं कि जब सोना तपता है तभी वो निखरता है, तो जो वो एक्सपीरियंसेस थे, वो पेन था, या जो मेहनत मैंने की 400-400 रुपये में, के लिए मैं पूरा पूरा दिन डब करता था, गला बैठ जाता था, तो थिएटर शो करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो 400 रुपये मेरे लिए बहुत कीमती थे. चाहे महीने में मैंने 4 डबिंग की हो क्राउड में, पर वो 2000 या 5000-3000 रुपये जो मिलते थे वो बहुत ऐड करते थे, मेरा किराया चला जाता था. सो या वो दिन मुझे याद है, लेकिन उसने मेरे अंदर वो आग जला के रखी, वो पैशन रखा, और मैं थिएटर कर रहा था नसीर सर के साथ, तो मुझे जब अप्रिशिएशन मिलते रही मेरे काम को लेकर, मेरी परफॉर्मेंसेस को लेकर, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और धीरे धीरे आई थिंक आई ब्लेस्ड कि आप लोगों का, ऑडियंस का इतना प्यार मिला और मेरी फिल्मों को इतना सराहा गया, और आज मैं यहाँ हूँ. आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब लो फेज आता है वो क्या चीज़ थी, वो एनर्जी कहाँ से लाते थे कि नहीं अपने आप को इस इंडस्ट्री में बरकरार रखना है? जैसे मैंने कहा कि ये था कि जब आपके काम को, या जब आप अपने आप पे कोई काम कर रहे होते हो, आपको पता है मैं हर रोज 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे छोड़कर जो 16 घंटे मेरे पास है, मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा टाइम जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि अगर मेरे पास क्राफ्ट है जिसमें, जो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मुझे वो करना है, मुझे पता है वो काम आता है, तो कोई ना कोई तो हीरे की परख रखते ही हैं, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा. और वैसे ही हुआ, मुझे मैरी कॉम मिली, जो एक सुपरस्टार के ऑपोजिट मुझे लॉन्च किया गया, हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली सर ने मुझे लॉन्च किया मैरी कॉम में. सो मुझे वो था कि मुझे आज नहीं तो कल मुझे काम मिलेगा, लेकिन वही जो विश्वास था और जो मेहनत थी मेरी, उसने मुझे यहाँ रोक के रखा और यहाँ तक पहुँच पाया. सर, परसिवियरेंस, सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई थिंक दैट अगर खुद पे और अपने क्राफ्ट पे विश्वास बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बिलीव योर गुड एट इट एंड यू हैव टू नो योर गुड एट इट.
टाइम विल कम, आई डोंट थिंक, बोलते ना वक्त से पहले, वो आता नहीं है, जब टाइम आई थिंक टाइम सबका टाइम आता है, यू नो. सो इट यू हैव टू जस्ट, इज अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ परसिवियरेंस एंड यू अलोंग विथ यू योर फैमिली एवरीबडी गोज फॉर इट बिकॉज द जर्नी इज नॉट ओनली योर्स. सो आई थिंक वो सब पूरा जब सपोर्ट मिलता है फ्रॉम एवरीबडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And I think that's what drives you. Drive, passion, I think just the love for filmmaking. I mean, I think that's what it is. और अब जैसे ये फिल्म है, इसको लेके इतना बज है, OTT के आने के बाद चीज़ें बहुत बदली हैं. ऑडियंस का एक टेस्ट है वो भी बदला है, फिर वो वेट करते हैं कि फिल्म उस लायक है कि नहीं है और हम थिएटर पे जाएं कि नहीं जाएं. आप इस चीज़ को आप दोनों कैसे देखते हो? देखना ही चाहिए उनको 100%. मैं खुद देखता हूँ, इतनी चॉइस है आज हमारे पास, घर बैठे बैठे OTT है. थिएटर एक्सपीरियंस के लिए इट्स अ बिग डिसीजन. आई थिंक दर्शन वाज आल्सो सेइंग जस्ट सम टाइम बैक दैट इट्स अ बिग डिसीजन फॉर मी टू गो टू अ थिएटर. हमारे लिए भी, हम भी ऑडियंस ही है, तो एक बड़ा कॉल है ये, मैं पिक्चर थिएटर में देखने जाऊँ या नहीं जाऊँ. वो तो एज फिल्म मेकर्स हमको ऑडियंस को एंटाइज करना ही पड़ेगा. अगर हमको थिएटर में आना है तो उनको एक सिनेमैटिक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देंगे तभी इट इज़ वर्थ इट, यू नो. सो तभी उनको डिफरेंशिएट होगा. आई एम सिटिंग इन दिस बिग ह्यूज स्क्रीन विद दिस अमेजिंग साउंड इन द डार्क थिएटर, कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एंड इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी, यू नो, नॉट एट होम, फोन पे ये आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ऑफ हो रहा है, घंटी बज रही है, खाना आ रहा है. तो उसमें आई बिलीव कि आप क्या स्टोरी टेलिंग और क्या करोगे. तो थिएटर का एक एक्सपीरियंस ही अलग है, बट डेफिनेटली वी एज फिल्म मेकर्स हैव टू गिव दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो टू द पर्सन हुज मेकिंग दैट एफर्ट एंड कमिंग टू द थिएटर. सो इट्स बोथ ऑफ अस विल हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक दिस हैपन, यू नो, ऑडियंस एंड आई थिंक द फिल्म मेकर्स. या जैसे सर ने बोला, मैं भी इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ. और मैंने जैसे सर ने कहा कि हम खुद भी मैक्सिमम फिल्म करते हैं 2 या 3 जो साल में करते हैं, उसके अलावा तो हम 100 फिल्में देखते हैं. तो वो आज के टाइम में आप हो, मेरा मानना है कि आई मे बी रॉन्ग, बट हर इंसान के लिए अभी 2 चीज़ें बहुत कीमती हैं, अपना टाइम और पैसा. और एक थिएटर में जाकर फिल्म देखने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए. तो ऑब्वियसली अब वो एक्सपेक्ट भी करेंगे हमसे और हमको करना भी चाहिए कि एक अच्छी फिल्म बनाओ. और ये तो बहुत अच्छा टाइम है, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरी कश्मीर फाइल्स बहुत बड़ा एग्जांपल है. एक छोटी सी फिल्म थी 10-12 करोड़ की, जिसने 450 करोड़ कमाया, वो भी ऑडियंस की पावर की वजह से, उनकी वजह से. उन्होंने खुद प्रमोट किया फिल्म को कि ये फिल्म देखनी चाहिए. कोविड के बाद हमारी पहली फिल्म थी जिन्होंने ऑडियंस को खींच के लाया. हाउसफुल के बोर्ड लगे और इवन लोग वेट कर रहे थे 3-3, 4-4 दिन तक कि उस फिल्म को टिकट मिले. ब्लैक में खरीदी फिल्म टिकट. सो ये ऑडियंस की पावर है. ऑडियंस फिल्म देखना चाहती है थिएटर में आकर. और बस हमें अच्छी फिल्में बनानी है और थैंक्स टू देम. और वैसी ही फिल्में बन रही हैं, कॉन्टेंट ओरिएंटेड और बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं. अभी अच्छे एक्टर्स चाहिए, अच्छी फिल्म चाहिए, अच्छा डायरेक्शन चाहिए. सो और उनको उनका हक है इस चीज़ को मांगने का, बिल्कुल. और एट लास्ट जो बाउंड्रीज हैं वो भी ब्रेक हुई हैं. मतलब लैंग्वेजेस की जो बाउंड्रीज थी पहले, वो बैरियर अब ख़त्म हो गया है. इसको कैसे देखते हो? और क्या आपके फिल्म को भी, अब आने वाली भी फिल्में या ये फिल्म है, साउथ के ऑडियंस हैं, अलग अलग लैंग्वेज वाले जो लोग हैं, उनके लिए उस लैंग्वेज में लेकर आएंगे आप? या आई मीन, अगर क्या है, मैं मेरे लिए तो इंडिया है. सो साउथ, नॉर्थ, कैलकटा, पंजाबी, आई मीन मेरे लिए तो इंडिया है. सो व्हाई वोंट आई वॉच अनदर इंडियन फिल्म? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ना. मैं अपने कंट्री की दूसरी पिक्चर क्यों नहीं देखूं? हमारे, इट्स अ वेरी यूनिक कंट्री वी हैव, कि हमारे पास इतने लैंग्वेज है, इतनी अलग अलग चीज़ें हैं. इनफैक्ट वी आर सो रिच इन कल्चर कि हर एक रीजन से कुछ ना कुछ नया आ रहा है. So it's, I think it's the most amazing thing if I get to make a film that somewhere in Calcutta somebody watches, suppose Dhoka wahan pe agar popular, so why not? Yeah. I mean, I'd just be grateful. Will I make something wo thought process ke saath
कि पैन इंडिया देखे तो मैंने धोखा भी बनाई है. मैं चाहता हूँ कि केरला में भी कोई आदमी लोग बैठ के धोखा देखे. बिल्कुल. सो मैंने आई डोंट थिंक आई हैव एवर इन माय हेड डिफरेंशिएटेड इट एंड आई हैव नेवर डिफरेंशिएटेड अनदर यू नो साउथ फिल्म और एनीथिंग. मैंने उनको मैं आज तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया. मैं तो इंडियन हूँ. इट्स अनदर इंडियन फिल्म आई एम वॉचिंग. As long as it's good and entertaining, why won't I watch it? It's as simple as that. I mean, दर्शन आप तो पैन इंडिया स्टार हो. आपकी फिल्म को पूरे इंडिया ने देखा है. साउथ इंडिया से भी ऑफर्स आएंगे. आई एम श्योर आ ही रहेंगे. क्या उन फिल्मों में काम करेंगे? और आप जैसे कुकी बता रहे हैं कि वो फिल्मों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं देखते हैं. आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल. मैं तो सेम जो बिलीव करते हैं उसमें बिलीव करता हूँ. हम भारतवासी हैं और हमारी ये हमारी फिल्म है. और फिल्म कोई भी फिल्म के सक्सेसफुल होना वो सिनेमा की जीत है. हम सबकी जीत है क्योंकि हम दिलो जान लगाते हैं. और या बिल्कुल कहीं से भी कहीं कोई भी अच्छा ऑफर आएगा तो डेफिनेटली मैं उसमें उस फिल्म का पार्ट बनना चाहूँगा. और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मुझे एक नए लोगों के साथ और एक नए एटमॉस्फेयर में काम करने का मौका मिलेगा. और ये मैं चाहता हूँ कि हर फिल्म हिट हो, क्योंकि जब फिल्म हिट होती है तो इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. इवन ऑडियंस को अच्छा काम देखने को मिलता है, क्योंकि जब आपकी एक फिल्म हिट होती है तो प्रोड्यूसर्स और वैसी फिल्में अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, उस पर पैसा लगाना चाहते हैं. तो जो पैसा रोल होकर आता है वो ऑडियंस के पास ही एक अच्छा क्राफ्ट पहुंचता है और अच्छी फिल्म पहुंचती है. तो ये सबकी जीत है. मैं कहता हूँ फिल्में हिट होती रहें, लोग फिल्में देखते रहें और एंटरटेन होते रहें. आपके फैंस क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है आई थिंक हम लोग उस पर खड़े आएंगे. तो प्लीज़ गो टू द थिएटर 23rd September और आपको धोखा नहीं होगा. वाह. बट सर ने जैसे बोला वैसे ही हम बिल्कुल धोखा नहीं देंगे. मैं हमेशा बिलीव करता हूँ व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट टचेस द हार्ट. सो हमने इसमें हार्ट एंड सोल डाला है इस फिल्म में. और जैसा कि आपने कहते हैं ना, ट्रेलर तो देख ही लिया है, उसको आपको फिल्म समझ में आ गया और आपको पसंद भी आ रहा है ट्रेलर, उससे कई गुना रस और उससे कई गुना आपको सस्पेंस और थ्रिलर हमारी इस फिल्म को देखने जब आप देखेंगे तब मिलेगा. सो प्लीज़ 23rd September को हमारी फिल्म थिएटर में देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी. हम आपको बिल्कुल धोखा नहीं देंगे. थैंक यू सो मच.